हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं ये दो कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है। देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन लग रही है। बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है बनाने में। सिंपल सा बुना जाता है और उसमें भी आपका डिज़ाइन, ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपका पड़ जाएगा। ये 10 फंदों का डिज़ाइन है, यहाँ से यहाँ तक 10 फंदे, 10 10। इस तरह से आप 10 फंदे प्लस प्लस इस तरह से लीजिए अपने प्रोजेक्ट में डालने के लिए। उसमें प्लस 7 फंदे और कर लीजिए और 2 फंदे साइड में सिलाई के लिए, तो आप 9 फंदे आप और ऐड कर लीजिए 10 10 के मल्टीपल से लेकर, तभी आपका डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए ये 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 8 सिलाइयों में ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आपको यही 8 सिलाइयाँ पूरे पैटर्न में बार बार रिपीट करनी है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं। इससे पहले कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं। तो देखिए हमने आपको बताने के लिए इसमें थोड़े से फंदे डाल दिए हैं, 10 10 के मल्टीपल से 20 फंदे प्लस 7 फंदे और कर लिए हैं तो 27 हो गए हैं, 2 फंदे और ऐड किए तो 29 फंदे हो गए हैं, यानी कुल मिलाकर हमारे 29 फंदे हैं, टोटल 29 फंदे। डिज़ाइन की पहली सिलाई स्टार्ट करेंगे हम सीधी तरफ से, बॉर्डर बनाने के बाद में आप सीधी साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया है, अब हम बाकी सभी फंदों को सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सभी फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरी सीधे फंदे सभी हमने बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड में पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, बाकी सभी फंदों को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो अब हमने सभी फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं, सीधी साइड आ गए हैं। तीसरी सिलाई हमारी सीधी तरफ से, अब हम दूसरे धागे को ऐड करेंगे। इस तरह से हमने दूसरा धागा जोड़ लिया। अब हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, 7। 7 फंदे हो गए। 7 तो हमें ये डिजाइन के चाहिए और 1 फंदा हमारा सिलाई वाला, इसलिए हम किनारे पर 8 फंदे लेंगे। 3 फंदे ऐसे उतार लेंगे, 1 2 3। अब 7 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे हमने सीधे बना लिए, 3 फंदे फिर से उतार लेंगे, 1 2 3। फिर से 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
सात फंदे सीधे बना लिए, लास्ट का हमारा जो सिलाई के लिए फंदा होता है इसको भी हम सीधा ही बुन लेंगे। उल्टी सिलाई, चौथी सिलाई हमारी, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया। अब ये जो हमारे सात फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है, एक दो तीन चार पांच छः सात, सात फंदे हमने उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये जो तीन फंदे हमने पहले नहीं बुने थे इन्हें नहीं बुनेंगे, एक दो तीन, फिर से हम सात फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे उल्टे बना लिए, तीन फंदे फिर से उतार लेंगे, एक दो तीन, फिर से बचे हुए फंदे जो हमारे हैं इनको भी हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। चार सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम पांचवी सिलाई हमारी सीधी तरफ से फिर से हम इस धागे से बुनेंगे। सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे, पूरी सिलाई सीधी बुनकर ही कंप्लीट करनी है। छठी सिलाई है उल्टी तरफ से, पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनना है, पूरी सिलाई हम उल्टी बुनकर ही कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हमारी सातवीं सिलाई है सीधी तरफ से, फिर से हम इस धागे का यूज करेंगे। अब तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बना लिए, तीन फंदे हम उतार लेंगे बिना बुने, एक दो तीन, फिर से सात फंदे सीधे बनाएंगे हम, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे हमने सीधे बना लिए, तीन फंदे फिर से उतारेंगे, एक दो तीन, फिर सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे सीधे बना लिए, तीन फंदे फिर से उतार लेंगे, फिर तीन फंदे बुन लेंगे, एक दो तीन। आठवीं सिलाई है उल्टी तरफ से, फिर से हम जो फंदे हमने बुने हैं उन्हें बुनना है, जो नहीं बुने हैं उन्हें नहीं बुनेंगे।
ऐसे उतार लेंगे। तो पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर तीन फंदे ऐसे उतार लेंगे, फिर से सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तीन फंदे फिर ऐसे उतार लेंगे, फिर से सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तीन फंदे फिर से उतार लेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। यही आठ सलाइयाँ आपको पूरे पैटर्न में रिपीट करनी है और आपका डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा।